Assalamu alaikum. Last class mein hume dekh rahe the ke what is dalil when passing and what are the basic steps before we start the topic of dalil when passing. Okay, so question parser, question parser. Hum baat kare LL1 parser ki baat kare. So LL1 parser ko ek algorithm hai jo ki ye batata hai ki steps kya follow karne. जो एल एल वन पार्सर को जरूरत है वो है एल एल वन टेबल की, एल एल वन टेबल और साथ में इसको जरूरत है स्टैक की. मतलब अगर हम और इसका एल्गोरिथम भी है, अगर हम इसको थोड़ा सा फेमिलियर हूँ तो कोई सा भी एल्गोरिथम हो और सॉरी कोई सा भी पार्सर हो उसका एल्गोरिथम होगा, उसके साथ स्टैक होगा और उसके बाद क्या होगा एलिमेंट टेबल. और फिर क्या होगा ये तमाम चीजें मिक्स होके स्ट्रिंग पे इनपुट, कोई स्ट्रिंग इस पे इनपुट देंगे, कोई भी स्ट्रिंग इस पे इनपुट देंगे, कोई भी स्ट्रिंग इस पे इनपुट देंगे और स्ट्रिंग क्या करेगा हमें उस इनपुट देने के बाद स्ट्रिंग से जो हमें आंसर मिलेगा वो मिलेगा. अगर मैं फिट करें यहाँ बना दूँ यस या नो, तो वो स्ट्रिंग जो है वो इस एल्गोरिथम पे ट्रू है. तो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट इज एलिमेंट टेबल. एल्गोरिथम तो ये सिंपल ही रहेगा लेकिन एलिमेंट टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एल एल वन टेबल समझना है और एल एल वन पार्सर के एल एल वन टेबल समझना है. और एल एल वन टेबल के लिए दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट. ठीक है, ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट. तो अब हम क्या करेंगे कि हम कुछ एग्जाम्पल देख लेंगे फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट की और उनको निकालने के मैथड डिफरेंट एग्जाम्पल देख लेंगे और फिर जब हमें समझ में आ जाएगा तो एल एल वन टेबल बनाने में कोई मसला नहीं है. सो मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूँ यहाँ पर. दिस इज अ ग्रामर और वो ग्रामर हमें जो गिवन है वो हमारी प्रॉब्लम नहीं है कि वो ग्रामर फिलहाल क्या करती है, क्योंकि अभी हम लोग कंसर्न इस चीज पर हैं कि जो जो फर्स्ट सेट और फॉलो सेट आएंगे वो क्या है. ग्रामर में डिफरेंट रूल्स दिख रहा हूँ, ए और एप्सिलॉन, बी ड्राइव स्मॉल बी और एप्सिलॉन, C drive small c, D drive small d or epsilon, and E drive small e and epsilon. These are the six rules, six variables. और हमें कहा जाता है कि भाई ये ग्रामर आपका डिमेन है और आप इसके फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट निकालिए. फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट निकालने के लिए एक चीज हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि तमाम वेरिएबल के फर्स्ट सेट और फॉलो सेट में, तमाम वेरिएबल के फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट निकलते हैं. तमाम वेरिएबल के फर्स्ट सेट एंड फॉलो सेट निकलते हैं. पहले हम फर्स्ट सेट निकालेंगे फिर हम फॉलो सेट निकालेंगे और जो बेसिक चीजें मैं रिपीट करूंगा बार बार वो आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए. उसका रीजन ये है कि ये चीजें रिपीट होंगी. तो सबसे पहला स्टेप फर्स्ट सेट निकालते हुए क्या होता है कि आप उन वेरिएबल्स का फर्स्ट सेट निकालते हैं जो वेरिएबल्स आपको डायरेक्ट टर्मिनल दे रहे होते हैं. मतलब क्या है कि अगर मैं ग्रामर की बात करूँ तो इसमें वहां पर छह वेरिएबल है, एस ए बी सी डी ई, All are in capital letter. अगर मैं एस को डिफाइन करूं तो एस ड्राइव कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी कैपिटल ई, ए ड्राइव ए और एप्सिलॉन, बी ड्राइव स्मॉल बी और एप्सिलॉन. तो जो स्मॉल लेटर में लिखे हुए वो टर्मिनल्स होते हैं यूजुअली, जो कैपिटल लेटर में लिखे हुए होते हैं वो क्या होते हैं वेरिएबल्स होते हैं. देयर आर स्लाइड्स एंड ट्यूटोरियल जिसमें अंडरलाइन कर देते हैं, इटैलिक कर देते हैं, लेकिन कोई ना कोई रेफरेंस होना चाहिए एक को दूसरे पर डिफ्रेंशिएट करने का. तो हमने जो रेफरेंस यूज किया वो क्या किया है, कैपिटल लेटर में एस होगा और स्मॉल लेटर में क्या होगा टर्मिनल होगा. ठीक है, और ये एप्सिलॉन, एप्सिलॉन मींस नलेबल वेरिएबल. ठीक है, जो नल जाता है और इसकी भी प्रैक्टिस हमें है. तो हम आगे चलते हैं. सबसे पहले हम उन वेरिएबल्स को पिक करेंगे जो वेरिएबल्स हमें डायरेक्ट टर्मिनल दे रहे हैं. मतलब क्या डायरेक्ट टर्मिनल देने का, ये देखिएगा मैंने लिखा एस, इसके सामने ए बी सी डी ई लिखा हुआ है, इसके सामने सबसे पहला लेटर वेरिएबल लिखा हुआ है. तो इसको अगर मैं एक क्यू की बात करूं तो क्यू में जब लाइन लगती है, अगर आप फर्स्ट लाइन में खड़े हैं तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे तो आपको सिर्फ अपने पीछे वाला बंदा दिखेगा, उसके पीछे जो खड़े हैं वो आपको नहीं दिखते. तो ये जो बंदा है ना ये हमारा फर्स्ट है, लेकिन ये चूंकि वेरिएबल है, एक वेरिएबल का फर्स्ट दूसरा वेरिएबल है, तो मैंने आपसे भी शुरू में क्या कहा है आप हमेशा स्टार्ट वहां से करते हैं उन वेरिएबल से जो वेरिएबल आपको डायरेक्ट टर्मिनल दे रहे हो. डायरेक्ट टर्मिनल का मतलब क्या है, दिस वन. अगर मैं कैपिटल ई लिखूं यहाँ पर तो इसको स्मॉल ई और एप्सिलॉन मिल गया. तो देखिए कैपिटल ई के सामने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल ई, चूंकि ये टर्मिनल है
डायरेक्ट टर्मिनल मिल गया और ये एप्सिलॉन को हम एज अ नल स्ट्रिंग कंसिडर करते हैं, तो ये दोनों हमें मिल गए. तो अगर मैं कैपिटल ई का फर्स्ट लिखूं तो कैपिटल ई के दो फर्स्ट हैं, ये कैपिटल ई के दो रूल हैं, तो दो तरीकों से फर्स्ट निकल सकते हैं. एक हो गया स्मॉल ई और इस तरफ से क्या हो गया एप्सिलॉन. हमारा पहला रूल ये होता है, पहला स्टेप ये होता है कि हम उन वेरिएबल्स को चूज करते हैं जो वेरिएबल हमें डायरेक्ट टर्मिनल दे रहे होते हैं, ताकि हमें कुछ टर्मिनल मिल जाए जगह. देखिएगा, आप मैं दूसरा ले रहा हूँ डी, तो यूजुअली हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बॉटम से स्टार्ट कर रहे होते हैं, फर्स्ट निकालना इज नॉट नेसेसरी, लेकिन ज्यादातर हम बॉटम से निकाल रहे होते हैं. तो इसका भी सामने क्या लिखा हुआ है, स्मॉल डी, क्या लिखा हुआ है, एप्सिलॉन. अब देखें इसमें से सी लिखा हुआ है, ये क्यों लिखा हुआ है, ये जिसने ग्रामर बनाई है उसका मसला है, ये ग्रामर क्या करती है, ये उस वजह से लिखा हुआ है, लेकिन हमें इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि यहाँ पर एप्सिलॉन क्यों नहीं लिखा हुआ, तो हमने लिख दिया सी. अगेन हम लोग फर्स्ट एंड फॉलो निकाल रहे हैं, और फर्स्ट एंड फॉलो निकाल क्यों रहे हैं, क्योंकि हमें एल एल वन टेबल बनाना है. फिर हम आ गए, यहाँ से हमें मिला बी, यहाँ से हमें मिला एप्सिलॉन, यहाँ से हमें मिला ए, यहाँ से हमें मिला एप्सिलॉन. ठीक है, अब ये वो रूल्स थे जो हमें डायरेक्ट टर्मिनल दे. तो पहला स्टेप क्या हो गया, ये पहला रूल्स आप सेट कर लें कि भाई वो वेरिएबल जो हमें डायरेक्ट टर्मिनल दे रहे होते हैं हम वो डायरेक्ट लिखते हैं, नो मैटर कि भाई इसके बाद क्या रेफर्स करें, स्मॉल ई के बाद लिखा होता कैपिटल ए बी, लेकिन हमें डायरेक्ट जो टर्मिनल मिल गया तो हम आगे नहीं जाएंगे. जहां हमें पहला टर्मिनल मिल जाता है अगर शुरू में फर्स्ट में, तो हम उससे आगे नहीं जाते, चाहे उसके आगे कुछ भी लिखा हो, चाहे उसके आगे ये लिखा हो या ये लिखा हो. दोनों केसेस में हमारा फर्स्ट क्या है, स्मॉल ई. दोनों केसेस में हमारा फर्स्ट क्या होगा, स्मॉल ई. अब आ जाते हैं अपने मेन स्टार्टिंग सिंबल पे. स्टार्टिंग सिंबल है हमारा एस, तो अगर हम एस का रूल लिखते तो वो है एस ए बी सी डी ई. अब तक जो हमने देखा था वो क्या देखा था, कि हमें जो वेरिएबल मिल रहा, वेरिएबल से जो चीज मिल रही थी फर्स्ट में, वो टर्मिनल ही थे, वो टर्मिनल ही थे. लेकिन अब हमें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा चीज समझनी है, वो क्या है कि हमें अब किसी वेरिएबल से दूसरा वेरिएबल मिल रहा है. तो देखें लॉजिक क्या है एल एल वन पार्सिंग की, कि आप किसी भी वेरिएबल पे खड़े में हो और आपने कोई चीज जनरेट करनी हो, तो आपको पहला फर्स्ट में जो सिंबल है वो क्या मिलता है, टर्मिनल या वेरिएबल कौन सा मिलता है. देखें इसको इस तरह से समझते हैं, फर्स्ट करिए हमारा रूल है और हमने यहाँ लिख दिया है ताकि हमारे विजन में आ जाए. ठीक है, अब अगर मैं यहाँ लिखूं एस, तो देखिए अगर मैं डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, क्योंकि ये एल एल वन पार्सर है, तो एल एल वन पार्सर में दो एल का मतलब क्या है, पहले एल का मतलब है लेफ्ट टू राइट स्कैनिंग, जो आपको टर्मिनल स्ट्रिंग चेक करना है वो लेफ्ट टू राइट स्कैन करना चाहिए, और दूसरा एल जो है इसका मतलब ये होता है लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन. लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन इसका मतलब है हमेशा हम लेफ्ट मोस्ट सिंबल को पिक करते हैं. तो मैं डेरिवेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, बट करें कि मैं एस को ड्राइव करता हूँ, तो एस के पास एक ही ऑप्शन है, वो ऑप्शन क्या है, ए बी सी डी ई, डेरिवेशन परफॉर्म हो रही है. ठीक है, एस के पास एक ही ऑप्शन है ए बी सी डी. अब हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है कि एस से मुझे फर्स्ट में क्या मिल सकता है, एस से मुझे फर्स्ट में क्या मिल सकता है, जैसे ई से मुझे फर्स्ट में स्मॉल ई मिल सकता था या एप्सिलॉन मिल सकता था, इसी तरीके से एस से मुझे फर्स्ट में क्या मिल सकता है. तो मुझे यहाँ पर एस से फर्स्ट में दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल दिख रहा है, एस से फर्स्ट में क्या दिख रहा है, दूसरा वेरिएबल. वो वेरिएबल कुछ भी हो लेकिन वो वेरिएबल है. अब हमारी अंडरस्टैंडिंग ये है कि फर्स्ट सेट के अंदर वेरिएबल नहीं आते, फर्स्ट सेट के अंदर वेरिएबल्स कभी भी नहीं आ सकते, सिर्फ टर्मिनल आते. तो अगेन अगर मैं एक स्टेप और आगे बढ़ जाऊं, तो लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन ये कहती है कि किसको ड्राइव होना चाहिए, ए को. जब मैं ए से पूछूंगा तो तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तो ए वाला रूल कहेगा मेरे पास दो ऑप्शन है, पहले मैं पहला ऑप्शन पिक कर रहा हूँ ए बी सी डी ई. देखिएगा जैसे ही मैंने ए का ऑप्शन पिक किया, ए से मुझे क्या मिला, स्मॉल ए, ए से मुझे क्या मिला, स्मॉल ए. तो क्या मैं ये बात कह सकता हूं कि अगर मैं एस पे खड़ा हूं तो मुझे एस से स्मॉल ए मिल सकता है ना, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं एस पे खड़ा हूं तो एस से मुझे स्मॉल ए मिल सकता है. तो अगर कोई वेरिएबल आपको फर्स्ट में वेरिएबल दे रहा हो, तो आप इनडायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं कि उस वेरिएबल के फर्स्ट में चले जाते हैं. इस वेरिएबल ने हमें ये वेरिएबल दिया, हम इस वेरिएबल के फर्स्ट में चलेगा, इस वेरिएबल ने हमें ये वेरिएबल दिया, हम इस वेरिएबल के फर्स्ट में चलेगा. इसका मतलब है एस से मुझे स्मॉल ए मिल सकता है. बट कहानियां खत्म ही, क्योंकि ए के पास दो ऑप्शन थे, एस ए के पास दो ऑप्शन थे, तो एल ऑप्शन तो हमने पुट कर दिया स्मॉल ए वाला, दूसरा ऑप्शन है एप्सिलॉन वाला. ठीक है, और एप्सिलॉन मींस नथिंग. ठीक है, एप्सिलॉन मींस नथिंग, इसका मतलब यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ. जब यहां कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो एस से अब फर्स्ट में मुझे क्या मिल रहा है, कैपिटल बी. फर्स्ट ऑफ एस इज फर्स्ट ऑफ बी,
अब एस से मुझे कैपिटल बी मिल रहा है और मैं कैपिटल बी से पूछूंगा कि भाई मुझे बताओ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन, कैपिटल बी बोलेगा मेरे पास भी दो ऑप्शन है, लेकिन पहला ऑप्शन क्या है उसका स्मॉल बी सी डी ई, तो क्या मैं ये बात कह सकता हूँ कि एस से मुझे स्मॉल बी भी मिल सकता है? डेफिनेटली यस। अब अगे मैं कैपिटल बी से दोबारा पूछूं भाई तुम्हारे पास स्मॉल बी के अलावा क्या ऑप्शन है, कैपिटल बी से दोबारा पूछूंगी तुम्हारे पास स्मॉल बी के अलावा क्या ऑप्शन है, तो बोलेगा एप्सिलॉन, तो मैंने एप्सिलॉन पुट कर दिया। अब एप्सिलॉन जैसे ही पुट किया एप्सिलॉन मींस नथिंग, तो एस से मुझे क्या मिल रहा है कैपिटल सी, इसका मतलब है कैपिटल एस का फर्स्ट कैपिटल सी भी बन सकता है अगर ए और बी दोनों एप्सिलॉन हो, तो सी से मैं क्या ले सकता हूँ स्मॉल सी, इसका मतलब है एस से मुझे स्मॉल सी भी मिल रहा है, मैंने यहां से ही लिख दिया। अब चूंकि सी के पास मजीद कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब है कहानी यहां पर खत्म हो गई कि मुझे बस यहां पर स्मॉल सी मिला। अगर फर्ज करें कैपिटल सी के पास कोई और ऑप्शन भी होता तो मैं उसे भी पुट करता, लेकिन फिलहाल एप्सिलॉन यहां पर मौजूद नहीं है, तो मेरे पास एस के तीन फर्स्ट आ गए, वो क्या आ गया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। आई बिलीव ये थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब हम फॉलो निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखिएगा फॉलो कैसे निकलता है। जिस तरह से फर्स्ट हमेशा उन जगह से निकलता है जिसके जो हमें डायरेक्ट टर्मिनल दे रहा होता है, इसी तरीके से फॉलो कैसे निकलता है, फॉलो हमेशा निकलता है स्टार्टिंग सिंबल से। स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है आपका पहला रो, और फॉलो ऑफ द स्टार्टिंग सिंबल इज ऑलवेज डॉलर, फॉलो ऑफ द स्टार्टिंग सिंबल इज ऑलवेज डॉलर, मतलब डॉलर आपने अपने पास से लिख देना है। इसका रीजन क्या है कि स्टार्टिंग सिंबल को हमेशा फॉलो डॉलर क्यों कर रहा होता है, डेरिवेशन में जो हमें स्ट्रिंग दिया जाता है उसके बाद हम डॉलर लिख देते हैं ताकि हमें चेक करने में आसानी होती है, इसलिए मैंने डॉलर लिखा है। कोई और सिंबल भी लिख सकते हैं, हैश लिख सकते हैं आप या कोई और सिंबल, हमने डॉलर लिखा। अब जैसे ही हमने डॉलर लिखा तो अब हमें ये देखना है, फॉलो निकालते हुए ट्रिक थोड़ी दूसरी तरीके की है। फॉलो निकालते हुए हम जिस वेरिएबल का भी फॉलोवर निकाल रहे हैं, जिस वेरिएबल का भी हम फॉलोवर निकाल रहे हैं चाहे वो एस हो ए हो बी हो, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, उसको हमें राइट साइड पर चेक करना है कि वो राइट साइड पर कहाँ कहाँ आया है। एस उनके राइट साइड पर कहीं भी नहीं आया, कहीं भी नहीं है राइट साइड पर, तो बस स्टार्टिंग सिंबल का फॉलोवर फिलहाल इस क्वेश्चन में क्या हो गया डॉलर। लेट मी क्लियर, अब मैं ए का फॉलोवर निकाल लूं तो मुझे ये चेक करना है कि कैपिटल ए राइट साइड पर कहाँ कहाँ आया है। इस क्वेश्चन में कैपिटल ए सिर्फ राइट साइड पे एक ही जगह पे आया, वो ये जगह है। लेकिन रूल मैंने ये वाला लिखा है एस वाला, लेकिन मैं फॉलो किसका निकाल रहा हूँ कैपिटल ए का, तो मैं कैपिटल ए की वजह से ये रूल लिख रहा हूँ कि कैपिटल ए यहाँ पर आया है। अब फॉलो की भी वही अंडरस्टैंडिंग है जो इसकी मीनिंग है कि भाई आपको फॉलो कौन कर रहा है, तो देखें कैपिटल ए को फॉलो कौन कर रहे हैं, चार लोग कर रहे हैं। लेकिन अगर कैपिटल ए बोले कि भाई मुझे तो सिर्फ सामने बी खड़ा हुआ दिख रहा है, तो ये बात सही है। कैपिटल ए बोले कि मुझे तो सामने खड़ा हुआ कौन दिख रहा है, सिर्फ बी दिख रहा है, तो ये बात सही है बिल्कुल। तो कैपिटल ए का फॉलोवर कौन है, कैपिटल बी। अगेन यहाँ पर भी सिर्फ टर्मिनल आ सकते हैं, यहाँ पर भी कौन आ सकते हैं, सिर्फ टर्मिनल। तो अगर मैं कैपिटल बी से पूछूं कि भाई तुम तो वेरिएबल हो लेकिन तुम्हारे पास कोई टर्मिनल मौजूद है, तो कैपिटल बोलेगा जी मेरे पास ये वेरिएबल मौजूद टर्मिनल मौजूद है, मैं अपनी जगह पे स्मॉल बी को लिख सकता हूँ क्योंकि मेरा रूल मौजूद है, मैं अपनी जगह पे स्मॉल बी को लिख सकता हूँ। तो मैं क्या ये बात कह सकता हूँ कि कैपिटल ए का फॉलोवर कौन है, स्मॉल बी, मैंने यहाँ स्मॉल बी लिखा। दोबारा रिपीट करता हूँ, कैपिटल ए का फॉलोवर कौन था, बी सी डी। कैपिटल बी से पूछा भाई तुम क्या वैल्यू दे रहे हो, तो बोला स्मॉल बी, लेकिन कैपिटल बी के पास एक और वैल्यू थी, तो मैंने अगर दोबारा उससे पूछा कि भाई तुम्हारे पास स्मॉल बी के अलावा कोई और वैल्यू, तो बोलेगा हाँ एक और है एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन मींस इज नथिंग, तो एप्सिलॉन जैसे मैं लिखूंगा इसको मैं मिटा दूंगा। तो जैसे मैंने इसको मिटाया इसका मतलब कैपिटल ए को फॉलो कर रहा है कैपिटल सी फॉलो कर रहा है। तो जितने भी फॉलोवर है वो मुझे लिखने पड़ेंगे, कैपिटल ए का फॉलोवर कौन है, कैपिटल सी, कैपिटल सी से पूछूंगा बोलेगा स्मॉल सी, तो कैपिटल सी की जगह पे मैंने स्मॉल सी लिख दिया, और कैपिटल सी की जगह पर जैसे स्मॉल सी लिखा हुआ मैंने यहाँ पर लिख दिया। अब मैं कैपिटल सी से पूछूंगा कि भाई तुम्हारे पास क्या स्मॉल सी के अलावा कोई और चीज है, कैपिटल सी से पूछूंगा तुम्हारे पास स्मॉल सी के अलावा कोई चीज है, तो डेफिनेटली यहाँ पर कोई चीज नहीं है, मतलब एक के सिर्फ दो फॉलोअर है स्मॉल बी और स्मॉल सी, कैपिटल ए के फॉलोअर हो गए। अब अगेन मैं आगे बढ़ूंगा और मैं पूछूंगा कैपिटल बी से, कैपिटल बी के फॉलोअर निकालूंगा, तो यही वाले रूल में कैपिटल बी आया हुआ राइट साइड, हमें ये चेक करना होता है कि जिस चीज से हम फॉलोवर निकाल रहे हैं वो राइट साइड पे कहाँ आया, जिस चीज के भी हम फॉलोवर निकाल रहे हैं वो राइट साइड पे कहाँ आया हुआ, तो सिर्फ एक ही जगह पे आया हुआ उस जगह पे आया हुआ, इसको फॉलो कर रहा है सी डी ई, इसको फॉलो कौन कर रहा है सी डी ई। अगेन मैं यहाँ पर लिखूंगा बी और यहाँ लिखूंगा सी डी ई,
अब कैपिटल बी के फॉलोवर में सी मौजूद है, सी से पूछूंगा भाई तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, तो कैपिटल सी बोलेगा भाई मेरे पास तो सिर्फ स्मॉल सी है और मैं यहाँ पर स्मॉल सी लिख दूंगा। मैं कैपिटल सी से पूछूंगा तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन मौजूद है, बोलेगा डेफिनेटली नो, तो फिर मैंने यहाँ पर इसको खत्म। तो कैपिटल बी के फॉलोवर में ओनली सी आया है, ठीक है। अगेन अब मैं कैपिटल सी के फॉलोवर निकालूंगा, जब मैं कैपिटल सी के फॉलोवर निकालूंगा तो राइट साइड पर चेक करूंगा कैपिटल सी कहाँ पर है, तो कैपिटल सी राइट साइड पर सिर्फ एक जगह पर है और उसके फॉलोवर में कौन है, डी। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ डी। अगेन कैपिटल सी के फॉलोवर में डी है, कैपिटल डी से पूछा जाएगा भाई आप, तो कैपिटल सी से पूछा जाएगा कि भाई आपके फॉलोवर में कौन है, बोलेगा डी। डी से पूछा जाएगा भाई आप क्या इनपुट दे सकते हो, तो बोलेगा मेरे पास दो ऑप्शन है, स्मॉल डी और एप्सिलॉन। मेरे पास दो ऑप्शन है, स्मॉल सी, स्मॉल डी एंड एप्सिलॉन। तो देखें सी के फॉलोवर में स्मॉल डी आ गया। अब यहां समझने की जरूरत है कि सी के फॉलोवर में कौन आ गया, स्मॉल डी, और फिर डी से पूछा जाएगा भाई तुम्हारे पास कोई और ऑप्शन है मौजूद है, तो डी कहेगा यस एप्सिलॉन। एप्सिलॉन मींस नथिंग, एप्सिलॉन तो लिखा नहीं जाएगा, ठीक है, फॉलोवर में एप्सिलॉन कभी भी नहीं आता, जैसे एप्सिलॉन लिखा हुआ खत्म हो गया, तो कैपिटल सी का फॉलोवर अब कौन हो गया, कैपिटल ई। कैपिटल ई से पूछा जाएगा भाई आपके फॉलोवर में आपके पास क्या क्या मौजूद है, तो कैपिटल ई बोलेगा एक तो स्मॉल ई मौजूद है, इसीलिए मैं सी के फॉलोवर में स्मॉल ई भी लिख देता हूँ, और फिर कैपिटल ई कहेगा भाई मेरे पास एक एप्सिलॉन भी मौजूद है, एप्सिलॉन, एप्सिलॉन भी मौजूद है, एप्सिलॉन मींस नथिंग। अब ये सी जो है, हमने सी के बाद जो लोग मौजूद थे उनकी वैल्यूज, क्योंकि एप्सिलॉन मौजूद था हम दोनों पुट किया, ये खत्म हो गया। अब सी बिल्कुल आ गया राइट पर, सी बिल्कुल आ गया राइट पर। अगर कोई वेरिएबल चेक करते थे या पहले से राइट पर मौजूद हो, बिल्कुल राइट मोस्ट पर, बिल्कुल राइट मोस्ट पर, तो हम ये कहते हैं कि फॉलोवर ऑफ द राइट मोस्ट सिंबल इज ऑलवेज फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, फॉलोवर ऑफ द राइट मोस्ट सिंबल इज ऑलवेज फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। ये चीज क्यों है, जब हम LL1 पार्सिंग एल्गोरिथम करेंगे तो हमें समझ में आएगी। फिलहाल फॉलोवर ऑफ द राइट मोस्ट सिंबल इज ऑलवेज फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। तो सी बिल्कुल राइट पर आ गया, अब सी का फॉलोवर तो कोई बचा नहीं इस वक्त, तो चूंकि सी बिल्कुल राइट पर आ गया तो राइट वाले के फॉलोवर वही होंगे जो के लेफ्ट वाले के फॉलोवर होंगे। लेफ्ट वाले का फॉलोवर क्या था, इसका डॉलर, तो मुझे यहां पर डॉलर भी लिखना पड़ेगा। अब मैं निकालूंगा डी के फॉलोवर, डी देखूंगा राइट साइड पर कितनी जगह पे आया हुआ है, डी एक ही जगह पे आया हुआ है, ये रहा, मैंने स्कूल को लिख दिया और मैंने लिख दिया डी ई। अब देखें डी को फॉलो कौन कर रहा है, कैपिटल ई, तो कैपिटल ई से पूछूंगा तो वो बोलेगा भाई स्मॉल ई मौजूद है, तो मैं स्मॉल ई लिख दूंगा, और जैसे ही कैपिटल ई से दूसरा ऑप्शन पूछूंगा वो कहेगा मेरे पास एप्सिलॉन मौजूद है, एप्सिलॉन मींस नथिंग, मैंने एप्सिलॉन मिटा दिया। अब कैपिटल डी बिल्कुल राइट पर आ गया, बिल्कुल राइट पर आ गया डेरिवेशन में, तो अगर बिल्कुल राइट पर कोई चीज हो जिसका फॉलोवर आप निकाल लो, तो राइट मोस्ट सिंबल का फॉलोवर वही होता है जो लेफ्ट हैंड साइड का फॉलोवर होता है। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या लिखा हुआ है, एस, निकाल डी का आया था लेकिन डी किस रूल में मौजूद है, एस में, तो इस वजह से एस के फॉलोवर भी डी में आ जाए। एंड सेम गोज फॉर द लास्ट वन, ई, ई तो कोई फॉलोवर नहीं है, ई बिल्कुल राइट पर है, ई के फॉलोवर निकालना हूं यहां पर आया हुआ, ई बिल्कुल राइट पर है, तो राइट के फॉलोवर वही होते हैं जो लेफ्ट हैंड साइड के फॉलोवर होते हैं, तो डॉलर यहाँ पर वापस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने इस ग्रामर के फर्स्ट एंड फॉलो निकाल लिए। बस जो चीजें याद रखने की है वो क्या है, कि फॉलोवर ऑफ द राइट हैंड साइड इज ऑलवेज फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट मोस्ट सिंबल, फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट राइट मोस्ट सिंबल इज ऑलवेज फॉलोवर ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड, फॉलोवर ऑफ द स्टार्टिंग सिंबल इज ऑलवेज डॉलर, एंड जब हम फर्स्ट निकालते हैं तो फर्स्ट हमेशा हम वहां से निकालते हैं जहां पर हमें पहले टर्मिनल मिल गए, ठीक है। आई होप इस ग्रामर का ये क्लियर हो गया होगा।